हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, साथ ही में बरसातों का मज़ा ले रहे होंगे। आज मैं आई हूँ अपने गार्डन में, जहाँ अभी अभी बारिश हो करके बंद हुई है। तो ये जो ग्रीन एटमॉस्फियर है बाहर, पूरा क्लियर ग्रीन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन सुबह मैंने काफ़ी सारे तोड़ लिए थे पूजा के लिए, तो अभी आपको ज़्यादा फूल तो देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने गार्डन का एक कंप्लीट टूर आपको दूंगी, और साथ ही में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन से पौधे यहाँ लगाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि पूजा के समय मैंने आप लोगों को कई सारे पौधों के बारे में, फूलों के बारे में या बेलपत्र के बारे में बताया था कि मैंने बेल वगैरह के पौधे घर में ही लगा रखे हैं। सो इसी तरीके से आइए मेरे गार्डन के फ्रेंड्स से आपको मिलवाती हूँ, क्योंकि ये स्पेस जो है मेरे घर की, ये मुझे बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आई एम अ नेचर फ्रेंडली पर्सन, तो ग्रीनरी देख के खैर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं नेचर के कितने क्लोज हूँ और मुझे कितना अच्छा लगता है। चलते हैं, इस कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। हालांकि इसमें ओवर वाटरिंग होने की वजह से जो है बिल्कुल ये सूख गया है, सूख क्या गया है, ये ख़राब हो गया है, इसको मुझे चेंज करना है। इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो है ये मधुमालती का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये यहाँ पर एक और वाइन है लंबी सी, तो इसमें येलो कलर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स आते हैं। इसको मैंने इस तरीके से ऐसे लगाया हुआ है, बाद में ये पूरी रेलिंग पे मैं इसको चला दूंगी। और ये मधुमालती जो है, ये तो आप देख रहे हैं जैसे ऊपर तक बंधा हुआ है, तो ये ऊपर ही चलती जाएगी, बहुत सुंदर लगेगी जब गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं इसके। तो ये जो है यहाँ पर पान का जो है प्लांट लगा हुआ है मेरे पास। पान के पत्ते पूजा के लिए मुझे घर से ही मिल जाते हैं, सो ये पूजा वाले पान के पत्ते हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। फिर ये लगा हुआ है मिर्ची गुड़हल, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, बट अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जब मेरे पास ये पौधा आया था तो बहुत बहुत रॉ स्टेज पे था, बहुत इसमें सड़े हुए से पत्ते थे। कटिंग करके सब कुछ करके अभी इसको ठीक किया है हम लोगों ने। फिर यहाँ पर एक और ये प्लांट है जिसमें येलो कलर का बहुत बड़ा सा फूल आता है, चाफा टाइप का फूल होता है ये, और ये जैसे बड़े बड़े पत्ते वाला ये आप देख रहे हैं, ये गिलोय है, मेडिसिनल प्लांट है। गिलोय का रस पीना बहुत ही अच्छा होता है, तो जो इस तरह की इसकी स्टेम्स होती हैं, जब ये थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, तो इसे काट के हम लोग जो है गिलोय का रस बना सकते हैं घर में ही। तो गिलोय का प्लांट है ये पूरी वाइन होती है, ये पूरे इस पर जो है फेंस पर फैल जाएगी। फिर ये देखिए, ये बेलपत्र का है मेरे पास, यहाँ पे बेलपत्र का भी प्लांट है। तो अभी तो रोज़ ही मैं इसमें से तोड़ तोड़ के बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाती हूँ। फिर ये कुछ इस तरह के पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता हो तो अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये इस तरह की छोटी छोटी सी प्लेट्स हैं जिनमें मैंने ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, कुछ कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। फिर ये है यहाँ पर मनोकामनी, अभी इसमें फूल नहीं है पर कलियाँ देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कलियाँ बनी हुई हैं। इसमें ये पूरा भर के जो है इसमें छोटे छोटे से वाइट फ्लावर्स आते हैं, और बहुत बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी। यहाँ पर ये मोगरा का है, तो मोगरा तो मैं डेली तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। ये यहाँ पर सिंगोनियम है, तो ये भी ऐसी छोटी सी प्लेट में लगा हुआ है। ये यहाँ पर जो है इंग्लिश रोज़ेस हैं, ये इसमें भी अभी एक कली यहाँ पर बनी हुई है, इसमें फूल कम आते हैं, ये कली यहाँ पर बनी हुई है यहाँ। फिर ये वाइट कलर के रोज़ेस हैं, तो इसमें जो है इस तरीके से आज ही कटिंग हुई है इसकी, तो इसमें इस तरीके से गुच्छे गुच्छे में जो है फूल आते हैं, देखिए जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पर क्लस्टर्स में फूल आते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई सारी कलियाँ एक ही टहनी पे बनी हुई है। तो बहुत, जब इसमें फूल खिल जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर ये भी मोगरा है, जैसे आप देख रहे हैं इसकी मोटी मोटी सी कलियाँ बनी हुई हैं। और ये यहाँ पर है, इसमें गुलाब है, ये कश्मीरी गुलाब है, तो इसमें भी अभी ये पूरा कलियों पर है, बारिश हो रही है तो कलियाँ भी खूब आ रही हैं। और फिर ये जो है फेंस का कॉर्नर है, तो यहाँ पर मैंने जो है एरिका पाम लगाया हुआ है,
काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मेरा आइडिया यही था कि पूरे गार्डन में ही मैं एरिका पाम लगाऊंगी, बट फ्लावरिंग होती है यहाँ पर, इसलिए मैंने कुछ फ्लोरल प्लांट्स भी लगाए हैं। ये यहाँ पर रजनीगंधा का है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से फूल खिले हुए हैं। मोगरा है, फिर इसका मुझे नाम नहीं पता। ये इस तरह की एक वाइन है, ये पूरी चलती है और इसमें पीच कलर के जो है फूल आते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रम्पेट वाइन बोलते हैं, तो इसमें हिंदी में मुझे नहीं पता ये ट्रम्पेट वाइन है। लेकिन फिर ये है पीली वाली, कनेर के फूल हैं ये। कनेर की एक वैरायटी है, उसके मतलब पीले फूल हैं इसमें आते हैं। एक खिला हुआ है और इसमें कलियाँ भी हैं, पूरा कलियों पर है ये भी इस तरह से। मोगरा का मैक्सिमम मेरे यहाँ, मोगरा और जो कश्मीरी गुलाब है वो ज़्यादा लगा हुआ है। सो ये मोगरा है, ये चांदनी का है, सो इस पर भी खूब फ्लावरिंग होती है। ये फिर से जो है कश्मीरी गुलाब है, ये और एक मोगरा है, ये डबल मोगरा है, ये एकदम रोज़ की तरह खिलता है इसमें मोगरा का। और ये मेरे फेंस के उस पार की दिखा रही हूँ एक चीज़ मैं आपको। मैंने ऐसे ही बीज फेंक दिए थे, तो यहाँ देखिए ये पूरा जो है ये पपीते की सैपलिंग्स हैं, ये जो छोटी 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 बहुत सारी आप देख रहे हैं ये सारी पपीते की सैपलिंग्स हैं। फिर ये जो लगाया हुआ है फेंस के उस पार मैंने, ये बटन रोज़ है यहाँ पर। और ये जो है ये मिर्ची का पौधा है, हरी मिर्च का यहाँ पर। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भी हमें डेली यूज़ में जो है हम लोग यूज़ करते ही हैं, दाल में छौंकने के लिए, या जैसे मैं ढोकला वगैरह बनाती हूँ तो उसमें चाहिए ही होता है ऊपर तड़के के लिए मुझे। फिर ये कड़ी पत्ते के पीछे ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ लिपटी हुई है एक बेल सी, ये खीरा है। इसमें खीरे की जो है अभी सीज़न नहीं है तो खीरा नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ इसमें भी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है और जल्दी ही हम खीरा खाएंगे इसका तोड़ तोड़ के। सो यहाँ पर भी मोगरा और कश्मीरी गुलाब लगे हुए हैं सब। ये हमारी तुलसी जी हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से जो है तुलसी का पौधा भी मैंने गार्डन में ही लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप नहीं होती है तो यहाँ पे ठीक है ये। नहीं तो पीछे मैंने लगाया था उनको जब, तो बिल्कुल मुरझा सी गई थी, वहाँ बहुत तेज़ धूप आती थी तो मुरझा गई थी बिल्कुल तुलसी जी मेरी। ये जो पिंक फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये रेन लिली है, बारिशों में ये खूब खिलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये एक इसी तरीके से बस ग्रीन, इसके लिए मैंने जो है इस तरह के ब्लू कलर के सुंदर से छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं जैसे ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर्स हैं और कलियाँ भी इसकी खूब सारी हैं। तो ये आता है ना जब फूल, तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं, ये इस तरीके से क्लस्टर में आता है पूरा। ये है तिकोमा, इसकी बेल भी आती है बट ये ड्वार्फ वाला जो है वैरायटी है। सो ये तिकोमा है। ये देखिए ये आम खा के मैंने बस ऐसे ही गुटली डाल दी थी तो आम का पौधा निकल आया है। ये भी गुलाब का है। ये डबल चांदनी है, ये भी बड़ा सुंदर लगता है, वाइट कलर का बहुत खुशबूदार फूल होता है इसमें। ये देखिए आम के यहाँ पर दो और हैं मेरे पास, ऐसे ही बस खा खा के हम लोगों ने आम गुटलियाँ डाल दी थी तो ये आम के आ गए हैं। ये सब मोगरा है यहाँ पर, ये दोनों मोगरा है। ये बटन रोजेज हैं पीच कलर के। फिर ये जो आप वाइन एक देख रहे हैं यहाँ पर पूरी, ये है आपकी अपराजिता की। सो इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ हैं, ये देखिए जैसे ब्लू कलर के इस पर फ्लावर्स आते हैं, शिव जी को चढ़ते हैं, विष्णु जी को चढ़ते हैं ये अपराजिता। ये ब्लू कलर के हैं यहाँ पर, और साथ ही में अपराजिता एक यहाँ पर भी देखिए पूरी वाइन जैसे आप देख रहे हैं जो ऊपर चढ़ रही है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं अपराजिता के। ये देखिए ये इसकी कली है यहाँ पर, तो ये वाइट कलर में है और इधर जो लगा हुआ है ये ब्लू कलर में है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पौधा, ये टमाटर का है, इसमें टमेटोज एक्सपेक्टेड है क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं छोटी छोटी कलियाँ फूल से बन रहे हैं, यहाँ पर टमाटर खिलना चाहिए। फिर ये मैंने यहाँ पे धूप घास लगाई हुई है जो गणपति जी को चढ़ती है, गणपति जी की पूजा में चढ़ती है, दुर्वा भी कहते हैं इसे। यहाँ पे ये शू फ्लावर का प्लांट है, हिबिस्कस, तो इसमें भी रोज़ मुझे एक एक दो दो फूल मिल ही जाते हैं। ये गणपति जी को बहुत प्रिय होते हैं सो ये चढ़ते हैं उन्हें शू फ्लावर। यहाँ पर ऑब्वियसली हम सबका फेवरेट मनी प्लांट लगाया हुआ है,
और ये जो आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट प्लांट यहाँ पे, ये है हमारा पारिजात का, हार श्रृंगार भी इसे कहते हैं। सो पारिजात का प्लांट घर में लगाना बहुत शुभ होता है, सो वो है। और एकदम कॉर्नर में फिर से मैंने एक मधुमालती लगाया हुआ है, और ये सब सॉन्ग ऑफ इंडिया यहाँ पे मैंने लाइन से ऐसे लगाया हुआ था, लेकिन ये जो ओवर वाटरिंग हो रही है बारिश की वजह से तो ये पूरे गमलों में रुक जाता है, और ये थोड़ा सा बेचारा डाउन चल रहे हैं अभी मेरे ये वाले पौधे। सो इस तरीके से करोटन, जो मतलब एक सॉन्ग ऑफ इंडिया एक करोटन, एक सॉन्ग ऑफ इंडिया एक करोटन, ऐसे करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, सजाया हुआ है। और ये है बोगनवेलिया, ये भी बहुत अच्छे इसमें डुअल कलर के पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी इसकी फ्लावरिंग होके झड़ चुकी है पूरी, और दूसरी कलियों पे है ये, देखते हैं कब तक आते हैं इसमें फ्लावर्स। सो ये था ओवरऑल व्यू मेरे गार्डन का। यहाँ पर जैसे मैंने अपने लिए बैठने के लिए झूला रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने एक अम्ब्रेला पाम रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे भी एक अम्ब्रेला पाम डाला हुआ है। सीढ़ी मैंने रखी हुई है जब ये सारा काम हो रहा था, तो लेकिन अभी मैंने सीढ़ी उठाई नहीं है यहाँ से। तो इस तरीके से कुछ ओवरऑल व्यू है मेरे गार्डन का। झूला पहले वहाँ था जहाँ पूरा स्टेन आ चुका है, बट बारिश की वजह से उसका कुशन वगैरह भीग जाता था, सब हो रहा था, ख़राब हो रहा था, तो मैंने वहाँ से झूला अल्टीमेटली हटा ही दिया। सो दिस इज़ द ओवर व्यू ऑफ द गार्डन, एंड मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्लांट्स हैं, किस किस चीज़ के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। तुलसी जी की पूजा यहीं आके मैं सुबह करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। शाम को मैंने दिया भी जो है तुलसी जी का यहीं रखा हुआ है, तुलसी जी का दिया भी यहीं मैं जलाती हूँ। बहुत हल्का बहुत अच्छा लगता है मुझे जब हल्की हल्की सी रोशनी उसमें से आती है। और ये हमारा गार्डन फर्नीचर है, यहाँ पर सुबह की चाय जो है, पहली चाय और सुबह अपनी मैं यहीं एंजॉय करती हूँ। और ये आ गई हमारी माही गार्डन में खेलने के लिए, इसके ये बॉल वॉल सब जो है यहीं पड़े रहते हैं, यहीं खेलती है। सो जी फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट व्यू गार्डन का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ कुछ प्लांट्स जिनके नाम मुझे नहीं पता थे, उनके नाम अब अगर आपको पता हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।